व्हाट द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। हमारी सोसाइटी में मनी बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसकी वजह से हमारी लाइफ के काफ़ी एस्पेक्ट्स में मुश्किलें होती हैं। आपकी रिलेशनशिप्स, सोशल स्टेटस, आप कौन सी चॉइसेस ले सकते हैं, सब मनी से ही अफेक्टेड होता है। और पैसे कैसे बनाए जाते हैं ये नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच में बताया गया है। ये बुक बहुत ज़माने से चलती आ रही है और अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड होंगे तो आपने इस बुक को हर जगह देखा होगा। और ये बुक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल भी है और इसके अंदर कई सारे मिस्टिकल टॉपिक्स भी हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो ऑथर है नेपोलियन हिल, उनको कार्नेगी अमेरिका के उस टाइम के सबसे अमीर आदमी ने एक असाइनमेंट दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जो भी अमीर लोग हैं तुम उनको स्टडी करो और सक्सेस प्रिंसिपल्स निकालो। तो फिर नेपोलियन हिल ने हजारों लोगों का इंटरव्यू लिया और उन्होंने ऐसे 13 सक्सेस प्रिंसिपल्स निकाले। ये बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ज्यादा जोड़ी गई है और जो भी पैसा बनाना चाहते हैं उन्होंने ये बुक एक ना एक बार तो पढ़ी होती ही है। और इस बुक में जो भी कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें हैं, अगर आप उनको मानते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें इस बुक में खराब लिखी हैं। इस बुक में बहुत सारी हेल्पफुल नॉलेज है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं या नहीं। इस बुक में बहुत सारे गोल्डन पॉइंट्स हैं। ये सारे 13 प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हैं और आपको ये बुक लेके ये पढ़ने चाहिए। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको टॉप 3 पॉइंट्स बताऊंगा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस बुक के। पॉइंट नंबर 1, डिजायर। डिजायर वो फीलिंग है जिसकी वजह से आप कोई भी चीज को करना शुरू करते हैं। तो ऑब्वियसली पैसे बनाने के लिए भी आपको एक डिजायर चाहिए होगा। असलियत में पैसे बनाने के लिए आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर चाहिए होगा जो आपको फोर्स कर दे एक्चुअली में मेहनत करने के लिए। और डिजायर के बारे में ये एक चीज है, जब आप डिप्रेस्ड होंगे तो डिजायर ही आपको उस टाइम में बचाएगा, उसी की वजह से हमारा काम चलता रहेगा। अगर आपको पैसे कमाने का और पावरफुल बनने का और बड़े आदमी बनने का बहुत ज्यादा डिजायर होगा तभी आप मेहनत करना कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आपकी कंपनी फेल हो गई या आप कर्जे में चले जाओगे, अगर आपके पास डिजायर नहीं है तो आपका कुछ करने का मन करेगा ही नहीं। काफी अच्छा एग्जांपल आप उन लोगों में देख सकते हैं जो हर साल न्यू ईयर्स ईव पे वेट लॉस का गोल बताते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पतले होना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा है कि उनका डिजायर ही नहीं है वहां पे। और ऑब्वियसली डिजायर हर चीज नहीं है, आपको बाहर जाके मेहनत करनी होगी और एक्शन लेना ही होगा, लेकिन डिजायर होने से वो काम करना और आसान हो जाता है। इस बुक में 6 स्टेप्स दिए गए हैं जो आपको डिजायर पैदा करने के लिए हेल्प करेंगे। तो कोई भी गोल को अचीव करने के लिए आप ये 6 स्टेप्स करिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सेल्समैन हैं और आपको अगले हफ्ते 10,000 रुपए कमाने हैं तो आप ये करिए। पहले आप अपना गोल एक पेपर पर लिख लीजिए कि मुझे 10,000 रुपए कमाने हैं। फिर आप लिखिए कि आप क्या करेंगे वो 10,000 रुपए कमाने के लिए। और फिर थर्ड पॉइंट, आप ये लिखिए कि आप कब तक वो गोल अचीव करना चाहते हैं, कोई एक स्पेसिफिक डेट डालिए। स्टेप नंबर 4, आप ये लिखिए कि आप एग्जैक्टली क्या क्या करेंगे हर रोज ताकि आप वो चीज पूरी कर सकें। फिफ्थ स्टेप ये है कि आप इन सब चीजों को एक छोटे से पीस ऑफ पेपर पे लिख लीजिए। और सिक्स्थ स्टेप है कि अभी तक आपने जितना भी लिखा है इस पेपर पे वो आप दिन में 2 बार पढ़िए, एक बार सुबह में सोने से उठने के बाद और एक बार रात में सोने से जस्ट पहले। कहा जाता है अमेरिकन एक्टर जिम कैरी ने अपने आप को एक चेक लिखा था $1,000,000 के लिए जब उनके पास कोई पैसे भी नहीं थे और बहुत जल्दी उनके पास वो पैसे आ गए। ये डिजायर की पावर होती है। सेकंड पॉइंट है ऑटो सजेशन। अब मुझे पता है कि ये पॉइंट सबसे ज्यादा अजीब लगता है जब आप इसको पहली बार देखिए। ऑटो सजेशन बेसिकली होता है कि आप अपने आप को एफर्मेशंस बोलिए। एफर्मेशंस बेसिकली वही चीजें होती हैं जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को बताते रहें कि देखो यार मैं कितना हैंडसम हूँ या मैं कितनी खूबसूरत हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आप रोज अपने आप से अपने गोल्स के बारे में अच्छी तरीके से बात करेंगे और एफर्मेशंस बोलेंगे अपने साथ तो आपका दिमाग दूसरी तरीके से सोचने लगता है। और ये आपको फौरन नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपके सोचने का तरीका बदल रहा है। तो जब मैं एक डाइट शुरू कर रहा था तब मैंने ये किया था, मैं ये एफर्मेशन बोलता था अपने आप से, आई ईट ओनली द थिंग्स दैट आर गुड फॉर मी। और मैं इसको दिन में 3 बार बोलता था हर टाइम खाने से पहले,
इमोशन और इंटेंट के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपने ये बोल दिया अफर्मेशन, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फौरन ही आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन आप ये नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे अगर आप मैकडॉनल्ड्स गए या आप कुछ बाहर खाने गए तो आपको एक अजीब सी फीलिंग आने लगेगी अंदर से कि यार मैंने आज सुबह तो बोला था कि मैं सिर्फ अच्छा खाना खाता हूँ और फिर अब मैं बुरा खाना खा रहा हूँ। तो इससे आपके दिमाग में एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा जिसकी वजह से आप बुरा खाना धीरे धीरे छोड़ने लगेंगे। ये होता है अफर्मेशन की पावर। ऑटोसजेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है और इसी वजह से जो आपने 6 स्टेप्स लिखे थे पहले वो काम करते हैं। और थर्ड पॉइंट है पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। अब ये सबसे ज़्यादा अंडररेटेड टेक्निक है जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको पैसे कमाने हैं या आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये आपकी लाइफ में सबसे बड़ा डिफरेंस लाएगा, और ये है एक मास्टरमाइंड ग्रुप रखना। मास्टरमाइंड ग्रुप बेसिकली एक ग्रुप है उन लोगों का जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, जिनके पास अलग अलग तरीके की नॉलेज है। तो अगर आप एक मास्टरमाइंड ग्रुप बना लेते हैं तो आप सब लोग एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप इस बात की गहराई में जाएं तो एक और चीज मिलती है आपको। जब आपके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो द सम इज ग्रेटर देन द होल। अगर आपके ग्रुप में सिर्फ 10 लोग हैं तो आपके पास 10 लोगों की पावर नहीं है, आपके पास उससे कहीं ज्यादा पावर है, क्योंकि वो पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। आप इसको एक क्लासिक मैथ्स की प्रॉब्लम है, हैंडशेक प्रॉब्लम, उससे समझ सकते हैं। अगर आपके पास 2 लोग हैं तो उनके बीच में सिर्फ 1 हैंडशेक होगा, अगर 3 लोग हैं तो 3 हैंडशेक्स होंगे, अगर 4 लोग हैं तो 6 हैंडशेक्स होंगे। इसी तरीके से अगर 10 लोग होंगे तो 45 हैंडशेक्स होंगे। अब एक हैंडशेक को 2 लोगों के दिमाग के बीच का एक कनेक्शन मान लीजिए, तो अब आप दे सकते हैं। तो अगर आपके ग्रुप में सिर्फ 10 लोग हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास सिर्फ 10 टाइम्स नॉलेज है, उसका मतलब ये है कि आपके पास 45 कनेक्शंस हैं उन 10 लोगों के दिमाग के बीच में। ये बहुत पावरफुल चीज है। ये बुक बहुत ज्यादा पॉपुलर रही है और इसका एक रीजन है। इस बुक में इतनी सारी फंडामेंटल चीजें बताई गई हैं पैसे कमाने की कि आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ये बुक बिल्डिंग के फाउंडेशन की तरह है जिसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी लाइफ के गोल्स अचीव करने हैं। मैं इस बुक को बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है ये बुक खरीदने के लिए। इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये पसंद आया, और सब्सक्राइब करिए अगर आपको इस तरह के और वीडियोस देखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।